जो इकरार भाई की फ़र्स्ट अहलिया थीं पहली बीवी थीं उन्हें कैसा लगा जब आप इकरार भाई की ज़िंदगी में आई देखिए वो तो वही बता सकती है किसी के बिहार पे मैं नहीं बता सकती मेरी ये पहली शादी है इकरार ने मुझसे दूसरी शादी की है हमारा एक ही बेटा है पहलाज और वालदा उनकी ज़ायरा कुरतुलैन तो भी हैं और मैं भी वालदा ही हूँ अर्निंग इतनी आसान नहीं है यूट्यूब के ऊपर लोगों को लगता है कि आप यूट्यूब पर काम करें तो लाखों रुपये कमा रहे हैं ऐसे नहीं है तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो किसी की तरक्की और शहरत से एवं ही जलते रहते हैं बैठ के तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ असलम नाजरन मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल नाजरन आज आपकी मुलाकात बड़ी ही खास शख्सियत से करवाने वाले हैं आज हमारे साथ मौजूद होंगी फ़रा इकरार साहिबा जो कि हसन साहब की अहली हैं ये बड़ी ही सुपर लेडी हैं ये सहाफ़ी भी हैं एक प्रोग्राम होस्ट करती हैं उसके अलावा बट क्राही भी चला आ रही थी मैंने सुना आज कल प्रॉपर्टी का काम भी कर रही हैं और उसके साथ साथ इकरार भाई का घर भी चला रही हैं इतने काम ये कैसे कर रही हैं एक साथ आइए निी से जानते हैं असल वालेकुम सलाम सबसे पहले तो इतने जबरदस्त आपने मेरे लिए अल्फाज कहे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फरा भी कैसे हैं बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इकरार भाई लाहौर है या आउट ऑफ सिटी है में? अभी तो लाहौर में ही है तो मुझे बताएं फरा भी बहुत से लोग आपकी शादी पर बड़ा डिस्कस करना जो है ना अच्छा समझते हैं कि फरा ने इकरार भाई से दूसरी शादी कैसे कर ली वो एक दफ़ा पहले भी शायद आप ही ने सवाल किया था तो मैंने कहा था मैं मैंने नहीं मेरी ये पहली शादी है इकरार ने मुझसे दूसरी शादी की है और देखिए वही बात है कि एक चीज़ जो आपकी शरीयत और कानून उसकी इजाज़त देता है और अल्लाह ताला ने एक चीज़ की गुंजाइश रखी है तो उसमें कोई बुराई और कबाह हो ही नहीं सकती और सवाल तो उठाया ही नहीं जाना चाहिए बहसीयत मुसलमान उस पर लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कल्चर इस चीज़ को बहुत सपोर्ट नहीं करता अब वो कल्चर हमने कहाँ से अडाप्ट किया वो भी आपको पता है लेकिन ठीक है लोगों की प्यार है लोगों की मोहब्बत है कि वो जानना चाहते हैं तो जनाब 2012 में शादी हुई थी अब तो इतने साल गुजर गए अब आप लोग ये सवाल छोड़ दें कुछ और पूछा करें अच्छा फरा आपी मैं लास्ट टाइम का इंटरव्यू किया तो नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि फरा आपी से पूछना जो इकरार भाई की फर्स्ट अहलिया थी पहली बीवी थी उन्हें कैसा लगा जब आप इकरार भाई की जिंदगी में आई देखिए वो तो वही बता सकती है किसी के बिहार पे मैं नहीं बता सकती उनको कैसा लगा होगा लेकिन यह है कि दोनों फ़ैमिलीज़ को पता था दोनों फैमिलीज़ की रज़ामंदी शामिल थी और इस तरह नहीं हुआ था कि हमने कोई बगावत करके शादी कर दी हो या पता नहीं क्या हो गया हो बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजा गया था मेरे घर जब घर वालों की रजामंदी हुई मुझ तकबी बात आई तो फिर मुझे भी ये हुआ कि एक ऑनेस्ट इंसान है जो इस तरह से रिश्ता आपको घर में भेज के इज़्ज़त से आपका हाथ मांग रहा है तो इस तरह से ये शादी लव मैरिज सी बा, बाद में जब ये बात इस तरह से फाइनल हो गई तो जाहिर आप जिस शख्स से मंसूब होने जा रहे होते हैं उसके लिए उनसीयत तो आपके दिल में पैदा हो जाती है ना मतलब कि लव की नाजरीन लव की शादी होगी हेट की या नफरत की कौन सी शादी होगी सी बात है फिर आप मुझे ये बताएं कि इकरार भाई के साथ जिंदगी गुजारना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इकरार के साथ ज़िंदगी गुजारना लोगों को देखने में लगता है कि बहुत ही एक अच्छा खुशगवार बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा होगा ये बातें भी ठीक हैं, लेकिन चूँकि वो एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट जो होता है बिल्कुल एक आर्मी मैन की तरह से होता है जिस तरह फौजी हर वक्त एक महाज पर खड़ा होता है जर्नलिस्ट भी महाज पर खड़ा होता है और उनको कुछ नहीं पता होता कितने दिन वो घर से बाहर जा रहे हैं कितने लम्बे अरसे के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं कितना मुश्किल काम करने जा रहे हैं किसी मुसीबत में ना फंस पाए तो ये उसकी एक साइड ये भी है तो जो भी सहाफ़ियों की बेगमात हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगी कि सहाफ़ी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है और उनकी बेगमात भी ज़ाहिर है कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन से गुजरती रहती है जब अक्सर हम देखते हैं कि इकरार भाई जिस दौर में प्रोग्राम किया करते थे तब तो हालात और तरह के थे अब तो हर बंदा करता है इस तरह के प्रोग्राम तो बहुत बार हमने देखा है कि किरार भाई मुसीबत में फंस जाते हैं इवन के कुछ अर्सा पहले जिस तरह से उन्हें जदोकोप किया गया और बहुत ज़्यादा इंजरीज़ थी तो इन हालात में किस तरह से सामना करती हैं और किस तरह से इकरार भाई को मोटिवेट करती हैं इन हालात में जाहिर है कि आप कंसर्नड होते हैं जब अभी वाकया हुआ जिसमें इकरार को बहुत ही ज़्यादा तशद का निशाना बनाया उनकी टीम के साथ बहुत ही बेहिमाना तशद किया गया तो उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से हम लोग गुजरे थे तकलीफ़ से गुज़रे थे मैं उसको लिटरली एक्सप्लन भी नहीं कर सकती और रताता नहीं हो रहा आपका आप शहर से दूर हैं और जब जहाँ उनको रिकॉर्डिंग के लिए जाना था उसी रोज़ मेरी कराची से लाहौर वापसी की फ़्लाइट थी और हम साथ ही निकले थे मैंने ही उनको वहाँ ड्रॉप किया और फिर आ, मैं एयरपोर्ट पे थी बार बार रबते की कोशिश करी थी फ़ोन उनका बंद जा रहा था काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई फिर जब लैंड किया तब भी फ़ोन बंद ही जा रहा था फिर मैंने ए के जैसे अहमाद भाई हैं उनसे बात की उन्होंने आ, ये वो सब भी उस वक्त कोशिश में थे फिर बात इन तक पहुँची फिर आगे शहबाज़ गिल साहब से रब्ता हुआ उन्होंने कुछ बीच बचाव कराया इस तरह से आ, वो लोग सेफली वापस आ गए लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है हौसला भी रखना और फिर अपनी नर्स पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छा तो जब इस तरह का भी कोई मामला पेश आता है जब वो लाहौर आए तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं इधर रहते हैं या ख़ुरतन भाभी की तरफ रहते हैं दोनों घरों में रहते हैं लेकिन वही बताया ज़्यादा वो वक्त काम को देते हैं और आ, मेरे ख्याल में उससे बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है पाकिस्तान से जो इनकी मोहब्बत मैंने देखी है ना मैंने इर्द गिर्द और लोगों में दोस्त अब में रिश्तेदारों में बाकी लोगों में उस तरह नहीं देखी तो फिर जब वो एक कॉज के लिए खड़े हैं तो जाहिर है फिर हम भी उनके साथ खड़े हैं किसी चीज़ के लिए हमें कभी कहते हैं मेरी तरफ से खासतौर पर कोई डिमांड नहीं होती कोई सवाल नहीं होता आप साब उलादमी हैं क्योंकि मैं आपकी एक वीडियो देख रहा है जिसमें आप बता रही थी कि मेरी बेटी या उसके मतलब बता रही थी वो क्या मामला है हमारा एक ही बेटा है पहलाज और वालदा उनकी ज़ाहिर कुरतुलैन तो भी हैं और मैं भी वालदा ही हूँ लेकिन मे मेरी अपनी औलाद नहीं है और लोग अक्सर ना जिस भी ख़ानदान के बच्चे के साथ मैं तस्वीर लगाती हूँ उसको मेरा बेटा बेटी कुछ भी बनाते हैं ख़ासतौर पर यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे ठीक है मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिल्कुल आप काम करें क्योंकि हर कोई इसी काम कर रहा है कि उन्होंने उसको ज़रिए माश भी बना लिया हुआ है लेकिन थोड़ी सी तहकीक करके अगर आप सच्ची चीज़ को सामने लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है तो फिर मैंने भी क्लेफिकेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी वो भी लोगों ने फिर देखा और फिर उनको पता चला कि असल बात क्या है जफ़रा अपनी इकरार भाई को बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बड़ा इज्जत की निगाह से देखा जाता पाकिस्तान में लेकिन कुछ केसेस आए जिसमें बड़ा बैकलैश भी देखना को मिला और बहुत से हेट कमेंट्स भी आए जैसे आयशा इकराम वाला मामला था और फिर ये क्या मामला था कि पहले से कुछ पता था कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लांटेड की गई और इस तरह से कहानी पेश की गई जिससे जो है पाकिस्तान की बदनामी हुई आ, ये तो मुझे नहीं पता वो प्लांटेड है कि नहीं है लेकिन जब वो ख़बर सामने आई थी तो मेरे ख्याल है हर देखने वाला उस उसको परेशान हो गया था तकलीफ़ में आया था कि एक ख़ातून के साथ ये सब कुछ हो रहा है और आप सहाफ़ी तो हैं ही हैं एक इंसान भी हैं फ़ौरी तौर तो, पर आपके अंदर जो जज्बा आया आप उससे मिले उसकी जो कहानी सुनी हमदर्दी का इजहार किया लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा कोई भी केस होता है आपको पता आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन होती है वो रुख बदलता है तो जब उसने रुख बदला तो बहुत सी और चीज़ें भी सामने आ गई और फिर बात यह है कि आपसे अगर कभी गलती हो जाए और आप उस पर ढिटाई का मुजाहरा करें तो वो फिर गलती कभी सुधर नहीं सकती लेकिन अगर आप ये देखें कि ये मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है उसके लिए अपनी गलती को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना है तो उसके लिए भी इकरार ने आप वीडियोज़ देख सकते हैं कि उस पर माजरत भी की थी सबसे कि मैं उसको जज करने में सही नहीं था और जो मुझे लग रहा था वैसा नहीं था अच्छा फरा आप हमने देखा माशाल्लाह आप भी यूट्यूब पे काम करती हैं इकरार भाई भी, भी करते हैं आप लोगों का बेटा भी करता है तो कितने के पैसे एन कर रहे हैं को अच्छी हैंडसम अमाउंट आ जाती है शुरू में तो बिल्कुल ही मैं YouTube पे इतना ज़्यादा काम नहीं करी थी ऐसे ही कभी वीडियो बना ली तो डाल दी शुरू में सिर्फ इसलिए था कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है तो मैं वो व्लॉग्स डाला करूँगी और फिर बाद में मैं कुछ सीरियस चीज़ें करना चाहती थी मगर चूँकि पे काम कर रही थी और एक नेचर की चीज़ें मैं उस पर नहीं कर सकती थी अपने यूट्यूब पर वरना जितनी आज़ादी आपको यूट्यूब पर कहने की होती है उतनी चैनल पर नहीं होती लेकिन अब जब कि मैं समा के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ तो वो चीज़ें भी कर रही हूँ अर्निंग इतनी आसान नहीं है यूट्यूब के ऊपर लोगों को लगता है कि आप यूट्यूब पर काम करें तो लाखों रुपये कमा रहे हैं ऐसे नहीं है कमा दो आप लोग रहे हैं बताती आपको एक मिलियन व्यूज के ऊपर तकर सो साढ़े चार सौ रूपए मिलते हैं आप मुझे बता दें कि आखिरी कौन सी मेरी वीडियो मिलियंस में गई चार सौ रूपए चार सौ डॉलर डॉलर्स लेकिन वो वन मिलियन क्रॉस करने पे मिलती है और वीडियो आपकी एवरेज जाती है बीस हजार पंद्रह हजार तीस हजार तो व्यूज पे डिपेंड करता है अगर अच्छे व्यूज मिल जाए तो आप हजार बारह सौ डॉलर भी कमा लेते हैं और अगर नहीं मिले तो सौ डेढ़ सौ डॉलर भी कमा हेल्प करते हैं यूट्यूब के कंटेंट में यूट्यूब नहीं हम अपना अलग अलग काम करते हैं जैसे चैनल में भी थे तो हम अपना अलग अलग काम करते थे अब यूट्यूब पे भी हैं तो मेरी एक अलग से टीम है उनकी एक अलग से टीम है अपना काम करते हैं कहीं कोई गाइडेंस चाहिए हो या कहीं इन्फॉर्मेशन में मुझे लग रहा हो कहीं कोई झोल या कुछ है तो फिर हम आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं अच्छा फरा अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल एक कमसन बच्ची का केस चल रहा है और हमने देखा कि इकरार भाई ने कुछ अर्सा पहले इस केस को फॉलो करना शुरू किया और अब रूटीन से इस पर काम भी कर रहे हैं तो उस बारे में भी आपसे कोई डिस्कशन करते हैं क्योंकि बहुत से लोग आपकी भी करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं इस वक्त जो जो लोगों का तो काम ही ऐसा है वो तो आप मैं क्या कहूँ इस पर कि वो जितने मोहतनी बातें और कुछ लोग तो बस ऐसे ही सिर्फ उनका काम ही होता है कि वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहें आ, ये जो केस है आ, केस दो तरह से टेकअप किया जाता है आप ख़ुद भी सहाफ़ी हैं आपको ख़ुद भी पता है कि एक या तो आप तक इशू पहुँचें आप उस इशू के पीछे लग जाएँ उसको मुकम्मल तौर पर आगे लेकर कर जाएँ और उन लोगों की हेल्प कर दें दूसरा एक इशू खड़ा हुआ और वो पार्टी अदालत में चलेगी अब वो केस जब अदालत में होता है तो आप उसमें अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते आपके पास जो एविडेंस जो चीज़ें जो कुछ भी मौजूद होता है वो आपको अदालत एजेंसी या पुलिस को देना होता है चूँकि उस वक्त वो केस अदालत में है तो उसमें वक्त भी लग जाता है आपको पता है हमारी अदालती कार्रवाईों में साल हा साल भी लग जाते हैं तो दुआ के केस में उनके वालद अदालत में जा चुके थे जिस वक्त मैंने बात करनी शुरू की इकरार ने बात करनी शुरू की इकरार ने अपने एंड पे काम भी करना शुरू किया जो उनके पास सबूत वीडियोज़ चीज़ें हैं वो उसी तरह अदालत और बाकी ज़राये से वहाँ तक पहुँचा भी रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि आपको पता है कि जरा हमारा स्लो प्रोसेस होता है अदालत का लेकिन जितनी ज़्यादा हमें समझ आई है और जिस तरह से अदालती फ़ैसले सामने आते गए हैं बच्ची कम से साबित हो गई फिर बच्ची का यहाँ से कराची लाहौर में पहुँच जाना कराची से वो भी ममा हल हो गया और फिर जहीर शबीर ने जो झूठ बोले थे वो भी सामने आ गए तो एक के बाद एक चीज़ें जब झूठ साबित हो रही हैं तो इस बात को तकवीत दे रही हैं कि असल कहानी वो नहीं है जो सिर्फ बताई जा रही है कि लव मैरिज है और और फिर वो तमाम लोग अक्सर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं आपने खुद तो लव मैरिज कर ली आपने खुद तो शादी की बात मुझे तो, कही बिल्कुल तो वो मैंने आपको बता दिया कि मेरी शादी कैसे हुई घर पर रिश्ता आया था वालदे ने अग्री किया उसके बाद मैंने भी एग्री किया और शादी हो गई तो देखिए अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं आप शादी भी कर रहे हैं तो ज़रा फेडरल शरीयत कोर्ट चले जाइए और मालूम कर लीजिए कि शादी की शराय क्या क्या होती है मैं कुछ नहीं कह रही ना ना ही मैं नवज़िल्ला दीन का मुकम्मल इल्म रखती हूँ ना ही मैं कोई आलिम हूँ ना ही मैं कोई लॉयर हूँ तो शरीय कोर्ट है फेडरल शरीत कोर्ट है वहाँ चले जाएँ आप लॉज मालूम कर लें कि कम उम्र की सूरत में फिर कैसे शादी होती है तो वो आपको पता चल जाएगा वो मेरी आपकी किसी की भी बात पर यकीन ना करें खुद से ज़रा तहक़ीक कर ले फ़ारापी मैं बहुत से लोगों से मिला ख़ास तौर पे जो कि जहीर की फैमिली और उस नरेटिव को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि करारल हसन भाई जो हैं वो ट्राई करते रहे दुआ ज़हरा और जहीर का इंटरव्यू करने के लिए लेकिन उन्होंने देने से इनकार किया तो ये उनके अगेंस्ट हो गए कुछ इस तरह के भी मामलात हैं अच्छा मेरी इस बारे में इकरार से बात नहीं हुई कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ इसका जवाब वही बेहतर अंदाज में दे पाएंगे लेकिन अगर कोई किसी को मिलाने की कोशिश भी कर रहा होगा तो वो भी गलत नहीं होगा लेकिन गलत वो है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाएं और किसी की तजलील करें तो उड़ाएं जो कि मेरे पास क्लिप्स आते रहते हैं जिसमें महदीली काजमी साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वालदे के जिस तरह से दिल आज़ारी करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से मेरे लिए जो बातें की जाती हैं या इकरार के लिए बातें की जाती हैं या बाकी तमाम उन लोगों के लिए बातें की जाती हैं जो उस बच्ची के वालदे के साथ खड़े हैं

साहब के बारे में भी इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई अब ये देखें ना ये सारे बड़े बड़े नाम है जबरान नासिर साहब को कौन नहीं जानता इकरार हसन को कौन नहीं जानता इस तरह से बाकी जो तमाम लोग हैं अब तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो किसी की तरक्की और शहरत से ऐ जलते रहते हैं बैठ के तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ जब आपसे आप लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कुछ अर्सा पहले एक केस सामने आया एक खतून थी वो अपनी बेटी को लेके आई उन्होंने कहा कि इकरार हमारी कोई डोनेशन खा गए और बहुत बड़ी अमाउंट का इल्ज़ाम लगा रही थी आ, आपको इस बारे में इल्म होगा तो मैंने ये भी सुना कि इकरार भाई जा जाके जा कर इंटरव्यू डिलीट भी करवाते थे तो इसमें कितनी की शदाकत है मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सच्चाई है वो शायद जो खून के आंसू रोने वाली बच्ची की बात है वो इकरार ने एविडेंसेस के साथ उस पर वीडियो भी बनाई थी और प्रोग्राम भी किया था वो आप ए के उस पर चले जाएं वेबसाइट पर या यूट्यूब चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगा इकरार के यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा तो आपको पता है कि जब किसी का कारोबार बंद हो जाता है तो उसको तो तकलीफ पहुँचती ही पहुँचती अब जहाँ पर छापे मारे जाते हैं जो दो नंबरी का काम कर रहे होते हैं उनके अड्डे बंद करा दिए जाते हैं तो ज़ाहिर है वो तो दुश्मन बन के सामने आएंगे वो कोशिश ये जारी रखेंगे कि उसके खिलाफ कोई ना कोई चीज़ आ, सामने लाते रहें और बाद में मिलता कुछ नहीं ना तो वो किरदार पर आ जाते हैं यही होता है हमारी सोसाइटी के अंदर तो जो काम इकरार करें वो काफ़ी मुश्किल भी है और जो डोनेशंस की आप बात कर रहे हैं डोनेशंस का तरीके ये है कि वो जो में ट्रांसमिशन एक होती थी उस ट्रांसमिशन में अकाउंट डिपार्टमेंट वाले हैं वो ज़ायरा इकरार की जेब में तो नहीं आते कि वो जाके किसी को देंगे या नहीं देंगे तो वो एक पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत काम होता है तो इसलिए ऐसा वैसे ही नामुमकिन है तो उसके बाद फिर वजाहत के तौर पर वीडियोज़ भी लाहौर में शिफ्ट होने की क्या वजह बनी क्योंकि आप लोग कराची रहते थे कोई पर्ची वर्ची तो नहीं आ गई वहाँ पे बहुत से भाई वगैरह रहते हैं <laughs> अल्लाह का शुक्र है पर्ची तो नहीं आई क्योंकि पर्ची उन लोगों को आती है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए मौजूद होते हैं हम तो मेहनती सहाफ़ी हैं तो हुआ ये था कि हम चूँकि लाहौर से बिलोंग करते हैं मेरी भी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है इकरार की भी पूरी फैमिली यहाँ रहती है तो कोविड के दौरान महसूस किया कि हमारा आना जाना मुश्किल हो गया अपने घर वालों से हम मिल नहीं पाते थे तो यहाँ अपना घर बनाना शुरू किया और यही सोचा कि पहले चले जाएं क्योंकि जब आखिरी मराहल पे घर होता है तो उसकी सुपरविज़न की बड़ी ज़रूरत होती है तो इसलिए हम यहाँ आए थे और अभी तक घर वो बन ही रहा है इन जब बनेगा तो फिर वहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी बहुत शुक्रिया तो नाजरन ये थी फ़रा इकरार साहिबा आपने इनकी गुफ्तु सुनी और जो मुमकिना सवाला थे हमने इनके सामने रखे और इन्होंने बड़े बखूबी उसके जवाब भी दिए अपनी राय से कमेंट सेशन में ज़रूर आगा कीजिएगा तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त अला हाफ